हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आइए टाइम और स्पीड से रिलेटेड और कुछ सवाल कर लेते हैं। सवाल मेरे पिछले वीडियो से मिलते जुलते हैं थोड़ा, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में हैं, थोड़ा हट के हैं। वॉकिंग एट सवाल ले लेते हैं। वॉकिंग एट 9/8 ऑफ द यूजुअल स्पीड ए मैन रीच हिज डेस्टिनेशन 20 मिनट अर्लियर देन द टाइम ही यूजुअली टेक्स टू रीच हिज डेस्टिनेशन। फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाई हिम टू रीच हिज डेस्टिनेशन। 9/8 उसकी स्पीड है और 20 मिनट वो जल्दी पहुंच जाता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था वो 8/9 था स्पीड और वो 20 मिनट लेट से पहुंचता है। आइए देखिए कैसे करते हैं हम इसको। 9/8 अगर उसकी स्पीड है तो उसका टाइम हो जाएगा 8/9। 8/9 हो जाएगा मतलब वो 1/9 हिस्से से लेट है, तो 1/9 हिस्सा जो है वो 20 मिनट है। 1/9 20 मिनट है, तो एक हिस्सा हो जाएगा 9 × 18 मतलब 180 मिनट। 180 मिनट मतलब 3 घंटे। स्पीड 9/8 हो गई है, टाइम तो उस हिसाब से टाइम 8/9 हो जाएगी। 8/9 उसकी टाइम हो जाएगी, तो इसका मतलब है जो 1/9 जो टाइम सेव कर रहा है वो 20 मिनट के बराबर है। तो 1 = हो जाएगा 180 मिनट, जो कि सॉरी यहाँ पे 2 लिख गया है, 3 घंटे के बराबर होगा। 3 घंटे के बराबर होगा, 3 आवर्स के बराबर। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, 3 आवर्स। अगला सवाल देख लेते हैं। वॉकिंग एट 6/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड ए मैन रीच्ड हिज डेस्टिनेशन 10 मिनट अर्लियर देन द टाइम ही यूजुअली टेक्स टू रीच हिज डेस्टिनेशन। फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाई हिम टू रीच द डेस्टिनेशन। उसकी स्पीड नॉर्मल स्पीड से 6/5 है, थोड़ा बढ़ गई है, और वो 10 मिनट बचा लेता है, 10 मिनट पहले पहुंचता है। अगर उसकी स्पीड 6/5 है तो टाइम 5/6 लगेगा। 5/6 टाइम ले रहा है वो, इसका मतलब है कि 1/6 टाइम है जो वो बचा रहा है, 10 मिनट। 1/6 जो है 10 मिनट के बराबर है, इसका मतलब है टोटल उसका टाइम जो अगर वो लेता तो 1/6 अगर 10 मिनट है तो टोटल टाइम 60 मिनट लेता, 1 घंटा लेता। ये इसका सही जवाब होगा। आइए एक और सवाल देख लेते हैं। वॉकिंग एट 2/1 स्पीड यानी डबल द स्पीड ए मैन रीच द डेस्टिनेशन 30 मिनट अर्लियर देन द टाइम ही यूजुअली टेक्स टू रीच हिज डेस्टिनेशन। फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाई हिम टू रीच हिज डेस्टिनेशन। डबल स्पीड हो जाती है, 30 मिनट पहले पहुंच जाता, सीधा सवाल है, 1 घंटे में वो नॉर्मल टाइम में पहुंचता। कैलकुलेशन भी देख लेते हैं, मैंने रखा है सवाल ताकि आप अप्रिसिएट कर पाए उसके कैलकुलेशन को। स्पीड अगर 2/1 है, टाइम 1/2 हो जाएगी, तो 1/2 हो जाएगी, तो 1/2 हिस्सा 30 मिनट के बराबर है जो बच गया है, तो टोटल हिस्सा 60 मिनट होता है। तो नॉर्मल कोर्स में 60 मिनट लेता, स्पीड डबल कर लेता, 30 मिनट में पहुंच रहा है, 30 मिनट बचा रहा है। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ बताएं, साथ ही मेरे चैनल के साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।